नमस्कार, कैसे हैं आप सब? भाई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज के स्टूडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप फिलहाल 12th क्लास के अंदर हो, ईयर 2023 के अंदर आप सीयूटी देने वाले हैं, तो आपकी ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है वो किस तरह की आपको देखने को मिलने वाली है। अब देखिए, जब भी हम कट ऑफ्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम लोग कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से कि भाई प्रीवियस ईयर आपकी जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी। अब मान लीजिए अगर मैं स्टूडियो के अंदर बात कर रहा हूँ ईयर 2023 की कट ऑफ क्या रहेंगी, तो हम लोग कंपेयर करेंगे कि भाई ईयर 2022 के अंदर क्या कट ऑफ थे। तो जो कट ऑफ होती है बेसिकली वो समहाउ सिमिलर ही होती है, हर साल ही थोड़ी बहुत चेंज होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर की जब हम बात करूँ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई 2023 के अंदर भी क्या होने वाली है। तो सारी जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा फैक्ट बेस्ड होने वाली है, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है इस वीडियो को देख करके, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए, हाँ, जो मैं अक्सर देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप 12th क्लास के अंदर हो, सीयूटी की तैयारी आप करना चाहते हो, अपने ड्रीम कॉलेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो, मुझे तो हिंदू के अंदर जाना है, स्टीफंस के अंदर जाना है, हंसराज के अंदर जाना है, मिरांडा में, लेडी श्रीराम में, जितने भी टॉप कॉलेज हैं, अगर आप उनको ड्रीम कॉलेज बना बैठे हो, तो आज से ही आप लोग अपनी तैयारी भी शुरू कर सकते हैं, प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, और अगर आप हेलो सेंड करेंगे तो हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स प्लस डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। डेमो वीडियोस देखो, टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं ये देखो, और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है सिर्फ तभी आप ज्वाइन कीजिएगा, वरना आप बिल्कुल भी ज्वाइन मत कीजिएगा, राइट। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और मैं सिर्फ इसलिए ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपको टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हमारे जो रिजल्ट्स रहे हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भाई टॉप कॉलेज के अंदर सेलेक्ट भी हुए हैं, हंसराज के अंदर हुए हैं, हिंदू के अंदर हुए हैं, लेडी श्रीराम में, मिरांडा में, सभी जगह पर हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो आप हमारे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, हमारी फैकल्टी की डिटेल्स देख सकते हैं, डेमो वीडियोस देख सकते हैं। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाओ देन उसके बाद ही ज्वाइन करना, वरना बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना। कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग पोर्टल है, ई बुक्स है, मेंटरशिप है, प्रॉपर तैयारी आपकी करवाई जाएगी। तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, डेमो देखने के कोई पैसे नहीं लगने वाले, आप डेमो तो आराम से देखो ही देखो एटलीस्ट, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर सिर्फ हेलो सेंड करो। चलिए बात करते हैं आज के हमारी स्टूडियो के बारे में। अब देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, तो कोई एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि भाई आपको 85% के आसपास आपको स्कोर करना होगा, आपको भाई 70% के आसपास स्कोर करना होगा, ये इतना इजी नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स चीज को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। बेसिकली जो कट ऑफ होती है वो पहले क्या होता था भाई, आपकी जब मेरिट बेस्ड एडमिशन से तो 99% आ जाती थी, 98% आ जाती थी, तो उसको चेंज करने के लिए जो सीयूटी है वो इस बार लेकर आया गया था। अब देखिए, सीयूटी की अगर मैं बात करूं तो जो स्टूडेंट है वो अलग अलग कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं, किसी को बीए करनी है, किसी को बीएससी करनी है, किसी को बीकॉम करनी है, किसी को बीबीए करनी है। तो जो भी कोर्स आप टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपके जो स्कोर है वो आउट ऑफ 800 में से कैलकुलेट होगा, आउट ऑफ 600 में से होगा, या फिर आउट ऑफ 700 के अंदर से आपका जो स्कोर है वो कैलकुलेट होगा। वो किस तरह से, मान लीजिए कोई स्टूडेंट बीए कर रहा है, बी का कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो आपका जो स्कोर होगा वो बेस्ट ऑफ 4 के अंदर से कैलकुलेट होता है, एंड बेस्ट ऑफ 4 के अकॉर्डिंग आपका जो स्कोर बनेगा वो आउट ऑफ 800 बनेगा, राइट, 800। अब मान लीजिए आप बीकॉम करना चाहते हो, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स वगैरह कर रहे हो, तो अगेन उसके अंदर भी आपका जो स्कोर होगा वो आउट ऑफ 800 ही आने वाला है। अब मान लीजिए अगर आप बीएससी इन फिजिक्स कर रहे हो, बीएससी इन केमिस्ट्री कर रहे हो, या फिर आप बीएससी इन बॉटनी कर रहे हो, तो इस तरह के अगर आप बीएससी के कुछ कोर्सेज करते हैं तो उसके अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ही कंसिडर किया जाता है, तो वहां पर आपका जो स्कोर होगा वो आउट ऑफ 600 बनेगा। आपको मतलब टेस्ट तो आपको 4 ही देने पड़ेंगे, लैंग्वेज भी देनी पड़ेगी, बट कंसिडर आपके बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स और बॉटनी जैसे कोर्सेज के अंदर बेस्ट ऑफ 3 के ही मार्क्स होते हैं, तो उसके अंदर आपका आउट ऑफ 600 बनेगा। हाँ, लेकिन मैथमेटिक्स होना या फिर कंप्यूटर साइंस होना अगर आप कर रहे हो तो बेस्ट ऑफ 4 होता है। मुझे पता है आप काफी कंफ्यूज हो गए हो, बट धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मान लीजिए अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हो, आप बीबीबीएमएस कर रहे हो, तो आपका आउट ऑफ 700 बनता है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आप जो टेस्ट देने वाले हो, जो आप कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो, उसके अंदर आउट ऑफ  800 है, 700 है, या फिर आपका आउट ऑफ 600 है, इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि भाई कितना आपको एटलीस्ट स्कोर चाहिए होगा। तो मैंने डेली सिटी के कॉलेज को लगभग 3 अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहले वो सेक्शन जिसके अंदर सबसे पॉपुलर कॉलेजेस आते हैं, मैं यहाँ पर सबसे बढ़िया नहीं बोल रहा हूँ, सबसे पॉपुलर मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हो गए, या फिर साउथ कैंपस के अंदर वेंकटेश्वर है, लेडी श्रीराम कॉलेज हो गया, इसके अलावा शहीद भगत सिंह भी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, तो आप उन कॉलेज को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप उन कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जो बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि यार जिनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप उन कॉलेज को टारगेट करें तो आप अगर जनरल हैं तो आपको एटलीस्ट जितना भी आपका है भाई 700 है, 800 है, या फिर 600 है, आपको एटलीस्ट 90% जो है स्कोर आपको एटलीस्ट करना ही करना पड़ेगा इतने स्कोर के अंदर से, राइट। तो अगर आप मतलब लास्ट की जो कटोस रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जनरल हैं 90% के समथिंग या फिर उससे प्लस आप ले आते हो, तो डेफिनेटली आपके जो टॉप कॉलेज हैं उनके अंदर एडमिशन होने के चांसेस जो है वो आपके बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप आउट ऑफ 800 दे रहे हो तो आपको भाई 720 या फिर उससे प्लस ही मार्क्स लेकर के आने होंगे अगर आप टॉप कॉलेज को टारगेट कर रहे हो। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप आउट ऑफ 600 वाला दे रहे हो तो उसके अंदर फिर आपको
540 या उससे ज़्यादा ही मार्क्स आपको लेकर के आने होंगे अगर आप टॉप कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए अगर आप एक मान लीजिए आप कर रहे हो भाई बीबी बीएमएस वगैरह कर रहे हो तो अगेन उसके अंदर भी आपको 90% प्लस ही आपको स्कोर करना होगा अगर आप टॉप कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो, अगर आप जनरल है तो, राइट। तो ये आपको एटलीस्ट बता रहा हूँ मैं, लगभग इतना आपको स्कोर करना होता है। दूसरे वो कॉलेज होते हैं भाई जिनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होती लेकिन वो बहुत बेकार भी नहीं होते हैं, वो एक एवरेज कॉलेज होते हैं, तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट भाई 85% के समथिंग आप स्कोर कर सकते हो, आपको वो कॉलेज मिलने के वहाँ पर चांसेस हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए आप उन कॉलेज के अंदर जाना चाहते हो भाई जिनकी रेपुटेशन बहुत ही मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोलूंगा लेकिन आप बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है तो उनके अंदर आपको एटलीस्ट 80% तक अगर आप स्कोर करोगे डेफिनेटली आपको वो जो कॉलेज होंगे वो आपको मिलने के चांसेस वहाँ पर हो जाएंगे जनरल के लिए, राइट। अगर आपके पास कोई भी रिजर्वेशन है, मान लीजिए आप ओबीसी हो तो ओबीसी के अंदर आप 5% थोड़ी और कम कर सकते हो सभी कॉलेज के लिए, अगर आप मान लीजिए एसटी हैं तो आप जनरल से फिर 10% के आसपास कम कर सकते हो और उस तरह से आपको भी एडमिशन्स मिल जाएंगे टॉप कॉलेज के अंदर या फिर एवरेज कॉलेज के अंदर या फिर बिलो एवरेज कॉलेज के अंदर। सो आई होप आपको एक आइडिया लग गया कि भाई मुझे एटलीस्ट इतना स्कोर करना ही करना पड़ेगा। पहले क्या होता था जब आपके 12th क्लास के जो आपके स्कोर्स के बेसिस पर एडमिशन होते थे तो भाई 100% तक भी कट ऑफ जाती थी, 100% कट ऑफ है, 99.75% कट ऑफ है, 99% कट ऑफ है, वो सिर्फ अच्छे कॉलेज की नहीं, मान लीजिए वो कॉलेज जो बिलो एवरेज है उनकी भी कट ऑफ भाई 95% फर्स्ट कट ऑफ तो रहती रहती थी, बाद में धीरे धीरे डाउन आती थी लेकिन आपको इतनी कट ऑफ देखने को मिलती थी। सीयूटी होने से फायदा हो गया कि जो आपका एग्जाम है उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है भाई बोर्ड एग्जाम से, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ है हम बोल सकते हैं कि भाई वो 8-10% थोड़ी कम ही चली गई है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस तरह से कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ आपको जो एग्जाम है थोड़ा सा टफ देखने को मिलता है अपने बोर्ड एग्जाम्स के कंपैरिजन में, राइट। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो ये आपकी कट ऑफ से लगभग रहने वाली है। और अगर मान लीजिए आप स्ट्रेटजी बनाकर के प्रिपरेशन करते हो डेफिनेटली आप जो टॉप कॉलेज उनके अंदर आप जा सकते हैं। आप सब्सिडी करना चाहते हो वो भी आप करो लेकिन अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करते हो तो हम लोग आपको एक डायरेक्शन बताते हैं कि यार इस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे डोमेन्स के, लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाते हैं, इसके अलावा जनरल टेस्ट के आपको मिल जाएंगे, तो आपको पूरे के प्रॉपर जो वीडियो लेक्चर्स है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स के बाद प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन बैंक हम देते हैं जिसके अंदर आपको सभी टॉपिक्स के टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाते हैं, चाहे जनरल टेस्ट है, डोमेन है, लैंग्वेज है, सभी के आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग आपको मॉक टेस्ट भी देते हैं, मॉक टेस्ट आपकी स्पीड बिल्डिंग करता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मेंटरशिप आपको मिलती है जिसके अंदर आपके डाउट सॉल्व होते हैं एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। मान लीजिए आप डिमोटिवेशन फील कर रहे हो या फिर आपको नहीं पता फॉर्म कैसे फिल करना है, फाइनल एडमिशन तक आपको नहीं पता है, तो वो सब भी आपको जो मेंटरशिप है वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। एकेडमिक डाउट जो होंगे वो भी आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। इसके अलावा आपको एप्टीट्यूड की हम लोग ईबुक्स भी देते हैं। इसके अलावा हम लोग आपको देखो कितनी सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हो डायरेक्शन लेकर के तो भाई व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी सोचो कि मुझे भी ना इस टॉप कॉलेज के अंदर जाना है या उस टॉप कॉलेज के अंदर जाना है तो आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे साथ करो या फिर अपने आप भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तैयारी एटलीस्ट अपने शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।